केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ में रेशम कारोबारी के घर में बदमाशों ने डकैती डालते हुए नकदी व जेवरात लूट लिए। लूटे गए माल की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इसका खुलासा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही हो पाएगा। हथियारों के बल पर परिजनों को बंधक बनाते हुए बदमाश वहां करीब 2.5 घंटे तक रहे। जाते हुए बदमाश पहचान न होने के लिए वहां लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी धमकी दी, यदि पुलिस को सूचित किया तो परिवार के बच्चों व सभी को एक एक कर मार दिया जाएगा। रेशम कारोबारी के घर डकैती की सूचना पाते ही पुलिस के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंच गए। यह वारदात मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के करीमनगर में बुधवार की रात करीब 11 बजे हुई। बदमाश बाइक से वहां पहुंचे थे। मौके पर मौजूद रेशम कारोबारी शादाब अंसारी के भाई महबूब ने यह जानकारी दी। हाजी महबूब, क्या हुआ है ना? यहाँ पर 8-10 जने तो अंदर थे घर के अंदर, और 3 बदमाश बाहर खड़े हुए थे। तकरीबन 10-11 बदमाश थे, और मेरा छोटा भाई शादाब जो है वो बाहर शॉप पे बैठे हुए थे। 10:30 बजे का टाइम था। 2 बदमाश पहले आते हैं, और आने के बाद में वो शादाब से बात करते हैं और उसके पिस्टल ला के उसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं। उसके बोलते हैं कि अगर ज़्यादा हिलेगा तो हम गोली मार देंगे, तो वो पिस्टल की वजह से सीधा अंदर चले गया। 2 बदमाश फिर और घुसे, और 2-2 करके दुकान में 8 जने घुसे। दुकान के रास्ते से सब लोग घर के अंदर आ गए बदमाश, और 3 बदमाश जो है बाहर खड़े रह गए, और उन्होंने शटर गिराया दुकान का। और अंदर आने के बाद में उन्होंने सब बच्चों को कैप्चर करके एक रूम में एक साइड कर दिया, और पूरे घर को जो है उन्होंने खंगाल दिया। और यहाँ से जो है उन्होंने डकैती डाली है, जिसमें जेवर पैसा गया है, जानी नुकसान कुछ नहीं है। इस बारे में तो हम लोग बाद में बता देंगे आप लोग, क्योंकि अभी तो नुकसान हमने भी नहीं देखा, लेकिन बहुत सारा हमारा जो भी था पैसा और जेवर वगैरह था, तो वो तकरीबन सभी लेके जा चुके हैं। धमकी उन्होंने दी है कि अगर आप रिपोर्ट कराएंगे तो हमको एक एक बच्चे को जान से मार देंगे, और हम आपके परिवार को इस तरह से खत्म कर देंगे। तो उन्होंने हमें पूरी धमकी दी है। हमारा परिवार सहमत था, मेरा घर बिल्कुल सामने की साइड में है इस घर से, तो मेरे पास में छोटे भाई का फोन गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे आप फौरन आ जाइए। तब टाइम हो रहा था 12:40 का, जिस टाइम छोटे भाई का फोन गया है, उसने कहा ऐसे ऐसे घर में बदमाश आ गए थे और वो अभी अभी निकले, और मैंने फौरन आपको फोन करा है। नहीं, ये सब चीजें तो देखो हम काउंट करके ही बता पाएंगे, नहीं इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये सब चीजें भी हमें भी देखना पड़ेगा कि कहाँ कितना नुकसान हमारा हुआ है। हमने सबसे पहले प्रशासन को और आप लोगों को सूचित करा है, और आप लोग अब इस टाइम मौके पे हैं, आप लोग देख रहे हैं, और नुकसान वगैरह सब चीजें हम जो है आपको फिर बाद में तहरीर के उसमें लिख के बता देंगे आपको। इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह बताया। डकैती की घटना हुई है, कहाँ हुई है, क्या कार्रवाई की है? एक कल रात थाना लोही नगर के जापी कॉलोनी क्षेत्र में एक धागा व्यापारी के घर में कुछ युवकों द्वारा बंधक बनाकर लूटपाट की बात प्रकाश में आई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के पूछताछ एवं जांच से यह पाया गया कि कुछ युवक घर में घुसे थे और इन्हें बंधक बनाकर कुछ कैश और ज्वेलरी लेकर गए। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है, और इसके लिए 3 टीमें फॉर्म की गई है, और इसमें जल्द ही इसका अनावरण किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।